हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। गाइस, जैसे कि आप ना लेट हो गए, और एक्चुअली मैं लेट हो गई, आप नहीं। आप तो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, पूछते हैं मैम क्या वजह है कि आप क्लास नहीं कर पा रही हैं। तो गाइस, जैसे कि जानते ही हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल है और बड़ी मुश्किल से आप लोग के लिए टाइम निकालती हूँ। बट जैसे भी टाइम निकालती हूँ, आप लोग के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा मेंटेन करना रहता है। बुटीक है और जो क्लासेस हैं वो देखना, फिर काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिसकी वजह से वक्त जितना नहीं मिल पाता आपको देने के लिए। तो जैसे ही वक्त मिलता है, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर देती हूँ। और थैंक यू कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सीखें। तो जैसे अभी तक हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी है? 11, क्लास 10, तो आज है क्लास 11। ठीक है, तो क्लास 10 हो चुकी है, 11 है। तो आज मैंने आपके लिए क्लास 11 रिकॉर्ड करी है, जिसमें कि सैटन स्टिच हम बना रहे हैं। सैटन स्टिच से जो आप देख रहे हैं ना, स्मूदी टेक्सचर होता है और थोड़ा शाइनी सरफेस, बहुत ही बड़ा प्यारा सा होता है। ये देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे किस तरीके के ये जो है सैटन स्टिच बनाए जाते हैं, और क्या क्या एक्सेसरीज आप बना सकते हो सैटन स्टिच से। वन बाई वन आपको नज़र आ रही होगी, तो आप देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। और उसको, उससे बने हुए कपड़े हैं, बैग्स हैं, इवन आप अगर आप अपने जो स्लीपर्स हैं, आपके फुट पेयर हैं, उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और बैग्स पे कर सकते हैं, हैंकीज पे कर सकते हैं, और आप जो छोटी छोटी एक्सेसरी, हेयर बैंड बना सकते हो, नेक लाइन, कितना प्यारा सा ये पैनल दिख रहा होगा आपको, कितना प्यारा सा नज़र आ रहा है। तो ये आपको इस तरीके से पैनलिंग वर्क में यूज़ होता है, डेकोरेटिव वर्क में बहुत ही इसकी वैल्यू है। तो ये वर्क बहुत प्यारा वर्क है, इसे बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो गाइस, ये है हमारा सैटन स्टिच। शार्प पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर, ये आप देखिए कि इस तरह से मैंने ये बनाया, कुछ लीफ फ्लावर की पेटल्स, कुछ भी आप ड्रॉ कर दीजिए जिससे सैटन स्टिच हमारा बन जाए। और ये मैंने बनाया, और ये यहाँ इसके साथ में अटैच आप कर सकते हैं, लाइक इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये फ्लावर इसमें यहाँ जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो सैटन स्टिच के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले आपको नीडल लेनी है। सैटन स्टिच बहुत इजी और स्मूदी होता है, लाइक थ्रेड को थोड़ा सा आपको छोटा लेना होता है इस तरह से। एक हाथ आपका हमेशा नीचे रहेगा, और एक जो फर्स्ट, जिस हैंड, जो आपका मेन हैंड है, लाइक बहुत लेफ्ट हैंडर भी होते हैं, तो वो हैंड आपका ऊपर रखना है इस तरह से। ये सैटन स्टिच इस तरह से आपको निकालना है। सैटन स्टिच को बहुत ही फायदे से आपको लेना है, नहीं तो अगर जब आप फैब्रिक, एक हाथ नीचे लगा के रखना है आपको हमेशा, जब भी आप फैब्रिक को लूज करेंगे ना, तो ये धागे लूज इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ से अब ये वाला जो बनाएंगे आप, कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये इस पैटल में, ये का जो बीच का पार्ट है, ये जो पैटल्स हैं कुछ इस तरीके से आएंगी। एक तो छोटा लिया जाएगा, देखिए, एक यहाँ से आप इस तरह से, एक बड़ा यहाँ ऐसे, और ये वाला पार्ट आपको फिर छोटा लेना है मिड में, जो टेक्निक होती है इसकी। फिर ये वाला इससे मिला देना है यहाँ, और एक जो है इस तरह से सी,
लाइक दिस, और फिर एक छोटा इस तरह से, और फिर यहाँ साइड से निकालना है इसको। ये इस तरह से, ये सैटन एकदम चिकना सा ऐसे, इसमें ये देखिए एक छोटा स्टिच और एक बड़ा स्टिच ऊपर से ही निकालना है आपको। इससे थोड़ा उभरा हुआ सा निकल आए स्मूथली। सी के देखिए, इसी के ऊपर से लेंगे आप दूसरा वाला भी जो, फिर यहाँ इसके बगल से निकालेंगे इसको। सी ये कुछ इस तरह से आएगा। ये है, फिर आप ऐसे यहाँ से सी, और ये नीचे वापस करके सुई को अब नीचे से कट कर देंगे थ्रेड को, नॉट करके जो थ्रेड है देखिए यहाँ निकालना है ये ऐसे। फिर अब इसको वापस से आप यहाँ लेकर और फिर इसको मिड में निकालेंगे। ये पूरा फ्लावर आपको ऐसे ही बनाना है। इसी तरीके से आपको इस तरफ ये देखिए इस तरह से ये पूरा सैटन स्टिच बनता चला जाएगा। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये वाला थ्रेड यहाँ निकालना है इस वाली पैटर्न से जो हमने बनाया था। इसको आप ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं।
तो इस तरह से सैटन स्टिच, अब ये स्टेम स्टिच से इसे कंप्लीट कर देंगे बना करके जो हमने लास्ट टाइम करा था। सी ये इस तरह से ये बन गया सैटन स्टिच। तो गाइज आपने देखा किस तरीके से ये हुआ हमारी क्लास में बनाया, मैंने सिंपल सा एक छोटा सा फ्लावर लेके कितना डेकोरेटिव लग रहा था मैंने बना दिया है। अब आप अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैंने आपको प्रोसेस और टेक्निक बता दी है कि क्या स्टेप रहेंगे, क्या टेक्निक रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आप सैटन स्टिच को कम्प्लीट करते हैं। तो सीख ही लिया है आपने कि एक लॉन्ग स्टिच एंड एक स्मॉल स्टिच दी जाती है जिससे सैटन स्टिच का सरफेस जो है वो स्मूथ एंड बहुत ही शाइनी सरफेस बनता है। तो आप इस तरीके से बनाएं और अपना वर्क कंप्लीट रखें, मैं लाइव आके चेक करूंगी। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी जो इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है ना उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं सारा का सारा वर्क वहीं पर चेक करूँगी। अभी जैसे मेरे पास टाइम, ये पूरी क्लासेस हो जाएंगी ना, फिर मैं क्लासेस ग्रुप इंस्टा के ग्रुप को वर्क चेक करना स्टार्ट करूँगी। मैं आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगी, तो आज मैं लाइव आ रही हूँ तो आप उसके हिसाब से आ जाइएगा, तो अपना वर्क दिखा सकते हैं, मुझे वहाँ भेज सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी आगे, ये बेसिक है, अभी ये सारी चीज़ों का बेसिक मैं सिखा रही हूँ। इसके बाद इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी। तो आपको पसंद आई होगी, होप यू लाइक टुडे क्लास, थैंक यू वेरी मच।